दी, आपके प्री बोर्ड में कैसे नंबर आते थे? मतलब आप बचपन से ब्राइट थी, और थोड़ा डिटेल में बताओ कैसा चला, थोड़ा पास्ट बताओ अपने एकेडमिक वाइज। नहीं, प्री बोर्ड्स में तो बहुत ही बुरा आया था, कितना आया था? 78-79। ओ अमेजिंग यार, देखो क्या ट्रांजिशन है यार, यही तो मोटिवेट करता है यार बच्चों को। हाँ और उससे पहले भी कुछ 8-9 बहुत उससे भी ज्यादा बुरा गया था। यार, ये बहुत बड़ा तो ट्रांजिशन है यार। कितने था फिर से बोलना जरा प्री बोर्ड के नंबर? सेवेंटी प्री बोर्ड्स में तो 78-79 के बीच में आए थे। एट सेवेंटी नाइन तुम लोगों में से किसी ने ऐसा ट्रांजिशन फील किया है, देखा है सुयस? नहीं भैया, बहुत बड़ा एक्चुअली मैं ट्रांजिशन है यार, ये तो मैंने कभी नहीं देखा यार। ये यार डेफिनेटली अमेजिंग यार। और उससे पहले क्या था यार रिद्धि? टेंथ से पहले उससे नाइन्थ में क्या पहले चल रहा था? 8 और 9 तो बहुत बुरा गया था, वो लॉकडाउन के वजह से भी थोड़ा 65-70। बचपन से तो हाँ इतना बड़ा ट्रांजिशन किया तुमने, तो तुमने देखा है कि ये लो फेज भी देखे अपनी लाइफ के अंदर की मेरी कम परसेंटेज भी आ रही है, और तुमने इतना बड़ा हाई फेज भी देख लिया अपनी लाइफ के अंदर। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक एवरेज इंसान क्या गलतियां करता है जो टॉपर नहीं करता है, या क्या एक्टिविटीज ऐसी करता है जो टॉपर नहीं करता है, थोड़ा बताओ इस बारे में। प्रैक्टिस तो सबसे मेन है, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करना होगा। और मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट समझना होगा। सब होते हैं कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो दिया हुआ है उसको रट लिया, पर उससे काम नहीं चलेगा। उसके पीछे वो डिराइव कैसे हुआ, वो कैसे हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे ना, तो जो क्वेश्चन आ रहा है खुद से फ्रेम करके लिख सकते हैं। जैसे इस बार फिजिक्स बहुत लोग का खराब हुआ, क्योंकि वो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आया था, और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो लोग से हुआ ही नहीं वो सॉल्व। अच्छा तो रिद्धि एक चीज ये भी होगी शायद, कंसिस्टेंसी भी एक फैक्टर होगा कि कंसिस्टेंट थोड़े कम होते हैं वो हाँ एवरेज लोग, है ना? वो क्या करते हैं, भाई मैंने तो पढ़ लिया 7 घंटे, आज वीक वार के लिए फ्री हूँ मैं। ठीक है, तो ये फैक्टर भी होगा डेफिनेटली, है ना, कि तुमने हाँ कंसिस्टेंट वो भी थोड़ा जरूर। किया होगा काम। तो वही मैं पूछना चाहूंगा कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, कि यार कितने घंटे तुमने पढ़ा, और जब एवरेज थी तब कितने घंटे पढ़ा करती थी, क्या ट्रांजिशन था? ऐसे जब हम लोग 6-7-8 में होते हैं तो पढ़ाई का उतना कुछ प्रेशर नहीं होता, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, मतलब जो एवरेज लोग होते हैं। लेकिन टॉपर्स का तो सब मानते कि हाँ पढ़ते ही है, लेकिन 10th में आने के बाद से पता चला कि हाँ पढ़ना जरूरी है, बोर्ड्स है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से तो था, अगर स्कूल और ट्यूशन को साइड रखें तो 2-3 घंटा दिन का पढ़ना पड़ता था, लेकिन एंड एंड में आके वो 4 घंटा 5 घंटा हो गया, लेकिन अच्छा वो अच्छा हर दिन पढ़ना है। रिद्धि, मैंने कुछ ऐसे केस भी देखे हैं कि भाई ट्यूशन टीचर या कोई स्कूल टीचर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हमको कर देता है, और हम वो जो बार होता है एक एवरेज और अबव एवरेज वाला, वो क्रॉस करके और हम असली पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। तो कोई मोटिवेटर ऐसा था आपकी लाइफ के अंदर जिसने ये ट्रांजिशन में हेल्प करी आपकी? हाँ, ऐसा ऐसा एक बिल्कुल केस है। जो मैं ट्यूशन में केमिस्ट्री टीचर थे, वो जैसे अगर हम लोगों का 1 घंटा का क्लास होता है तो वो 15 मिनट हम लोग को सिर्फ मोटिवेट करते थे, और वो इतना हाई लेवल मोटिवेट करते थे कि बस सबको लगता था कि अब कुछ करके दिखाना है, तो वो सुयेश भी बहुत ज्यादा हंसते हैं। आपके केस में कोई ऐसा था बचपन में? तो होगा कोई ना कोई ऐसा जिसने आपको इस ट्रैक हाँ पे भैया, लगाया। कैमरा ऑन करो सुयेश। हाँ बहुत सारे टीचर्स थे भैया। मम्मी हाँ क्लास टीचर ने क्लास 5th में, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया पर्सनली। एंड 10th में जो हम लोग के मैथ्स टीचर थे, वो सबको मोटिवेट करते रहते थे, वो शुरुआत से मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग को कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, एंड टर्म टिप्स देते रहते थे कि कैसे पढ़ाई करनी है एंड ऑल। अच्छा, ठीक है रिद्धि। काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स और मेंटर्स। हाँ तो वही बात है, ये टीचर्स जो मोटिवेट करते हैं ना, यही टीचर थोड़े बच्चों के फेवरेट भी होते हैं, है ना? तो ऐसे टीचर की यार वैल्यू बहुत ज्यादा होती है अपनी लाइफ के अंदर, और ऐसे टीचर्स को यार कभी नहीं बुलाना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि जो तुम आज हो कहीं ना कहीं उनका हाथ है उसमें। ठीक है, तो रिद्धि एक बात बताओ कि और क्या फैक्टर्स हैं कि तुम्हें लगता है यार, जैसे प्रैक्टिस हो गई एक चीज, और एक दूसरी चीज हो गई कंसिस्टेंसी, और कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी में भी डिफरेंस आता है ना। जब पहले कुछ और सोचती थी तुम कि यार टॉपर के बारे में, फिर तुम खुद टॉपर बनने लगी, फिर कुछ मेंटेलिटी में भी चेंज आता है यार, बताओ जरा क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे उससे थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए हाई एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। जैसे कि
स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरा एम था कि 90% आ जाए, 91 आ जाए, उतना बहुत है. लेकिन फिर वही ट्यूशन वाले टीचर ने कहा थोड़ा हाई एम रखो, जैसे 90% के लिए एम रख रहे तो उतना ही मेहनत करेंगे, अगर वो हम लोग के पोटेंशियल से ज्यादा भी है फिर भी एम है जैसे 90 है लेकिन उतना ही मेहनत करेंगे. वही अगर एम रखते हैं 98, 99 तो वो रियल पोटेंशियल बाहर आता है, फिर थोड़ा और मेहनत करते हैं. जैसे मेरा एम था 98 और 97.6 आया. एम मतलब कब आपने डिसाइड किया कि भाई इतनी लानी है हमें 98%? ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही, जैसे पिछले साल मतलब 90 सोचा शुरू में, है ना? हाँ ठीक है, ये 90 सोचा होगा. आई होप आपने 9th जब एंड हो रही होगी या 10th में आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा, लेकिन जब 10th में आप आ गए, एक दो एग्जाम दे लिए होंगे या फिर शुरू में ही आपने 98 डिसाइड किया, ठीक है, राइट? हाँ हाँ ठीक, ओके. तो अपने कितने फैक्टर हो गए, एक हो गया अपना कंसिस्टेंसी, दूसरा हो गया भाई थोड़ी सी मेंटेलिटी में चेंज लाओ, और तीसरी चीज क्या बोली थी आपने रिद्धि? आई थिंक आपने कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, हाँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपने तीसरी चीज बोली. अब यार तीसरी चीज पर जरा आ जाए कि यार प्रैक्टिस आपने कितनी करी, शुरू में कितना किया करती थी जब आप मतलब एवरेज थी, तो थोड़ा बताओ इस बारे में. एवरेज वाले टाइम पे तो प्रैक्टिस नाम का कुछ था ही नहीं, बस एक बार पढ़ लिया काम खत्म. लेकिन 10th में आने के बाद प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा था. अगर टोटल सम अप करें तो भी मैंने 100 से ज्यादा टेस्ट दिया सिर्फ एक साल में. टेस्ट पे टेस्ट, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर उसका टेस्ट दो, उस पर जितना क्वेश्चंस बन सकता है सब करो. तो ये चीज स्टार्टिंग से ही था. हाँ और एंड में हाँ रिद्धि, मैं शायद एक पॉइंट यहाँ ऐड करूँ, तुम्हें भी एक पॉइंट पता होगा, सूर्यस तुम्हें भी, सब बाकी जितने भी बैठे हैं, एक ये बात होगी यार, एवरेज बंदा क्या सोचता है कि हमें मतलब करना क्या है कि जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी हम 10 ईयर करेंगे अच्छे से सॉल्व. और शुरू में वो क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करता है. अगर प्रैक्टिस वो शुरू में करता भी है तो वो कैसी प्रैक्टिस करता है कि यार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि यार पेपर है, थोड़ा क्या पता है यहीं से क्वेश्चन फंस जाए. तो ये प्रैक्टिस शुरू से थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए. अच्छा, तो यार बहुत मेहनत लगी होगी रिद्धि, आई होप बहुत ही ज्यादा मेहनत करी होगी तुमने, है ना? एकदम मेहनत होश तो तोड़ था. गए होंगे स्कूल में देख के कि यार ये क्या हो गया, है ना? स्कूल में किसी में एक्सपेक्टेड नहीं था कि नाम आएगा टॉपर लिस्ट में, ना क्या किसी रैंक आई, टीचर थर्ड को आई ना एक्सपेक्टेड रिद्धि? था. हाँ रिद्धि ने मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल भेजा था, उसमें रिद्धि का नाम था, रिद्धि ने फेस हाइड भले ही कर दिया था लेकिन यार रिद्धि यार तुमने इतना बड़ा ट्रांजिशन किया यार, ये कहानी मैं हमेशा सुनाता रहूंगा सबको. तो रिद्धि एक बार सब्जेक्ट वाइज नंबर अपने बोल दो जरा. इंग्लिश में 97, मैथ्स में भी 97, साइंस 97, कंप्यूटर 99, SST 94 और हिंदी 98. अमेजिंग अमेजिंग रिद्धि यार. तो रिद्धि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कैसे नंबर आया करते थे पहले? इंग्लिश स्टार्टिंग से ठीक ही था पर इतना भी नहीं आता था, 85 तक आ जाता था, 80-85. अच्छा, तो हैकर सी एसी के बारे में क्या कहो पूछना पड़ता है ये सवाल. हैकर सीआईएससी से बहुत हेल्प मिला, वो जो प्रेपोजिशंस का वीडियोस था, वो सब लाइव जो लाइव सेशंस होता था, वो सब बहुत हेल्पफुल था. हाँ, तो मैं बता दूं रिद्धि ने सारे लाइव सेशन अटेंड करे, और सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी और जितने लाइव सेशन लिए सारे अटेंड करे. रिद्धि तो मुझे रिद्धि की प्रेजेंस तुरंत मिलती थी, जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू करी, रिद्धि हाय भैया, है ना? तो रिद्धि ने अटेंड करी है लाइव स्ट्रीम, और रिद्धि रिकमेंड कर रही हो, है ना, ये चैनल जूनियर्स को, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सुरेश साहब? हाँ बिल्कुल भैया, ऑफ कोर्स. तो रिद्धि एक बात बताओ यार कि यार देखो सब टॉपर्स की कहानी सेम होती है, जैसे सुरेश की अच्छी कहानी है सुरेश की भी, कि भाई बचपन से कर रहे होते हैं अच्छा, या कुछ लोग ट्रांजिशन ये 10th में थोड़ा ट्रांजिशन कर लेते हैं कि 10th में शुरू से काफी अच्छा फोकस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि बोर्ड एग्जाम है.